देखो मेरे लिए तो मैं बिग बॉस को कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो मैंने करना था वो तो कर ही दिया। सेलिब्रिटीज होती हैं वो होते हैं, वो ऑडियंस से दूर दूर रहते हैं। मिलन गावा, मैंने कहा यस मैम, तो कह रही आई लव यू इन बिग बॉस, तो मतलब स्ट्रेंजर। मुझे लगता है कि मैं उस शो के लिए या तो बहुत बड़ा हूँ या तो बहुत छोटा हूँ, बट वहाँ पे तो परेशानी की गेम है कि तुम ना हो परेशान, दूसरों को करो परेशान। तो मैं दैट्स टोटली ऑपोजिट शो। व्हाट इज अप, दिस इज मिलिंद गावा म्यूजिक एमजी एंड यू वाचिंग हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। फेवरेट रियलिटी शो? माफ करो बिग बॉस, माफ करो। नहीं बट देखो मेरे लिए तो मैं बिग बॉस को कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो मैंने करना था वो तो कर ही दिया, जो मुझे पाना था वो तो मैंने पा ही लिया। मेरा ठीक ठाक काम चल रहा था, चल भी रहा है, बट मुझे बिग बॉस जाने का मेरा एक मोटिव था कि पीपल शुड नो मी इन एंड आउट, यू नो मेरी पर्सनल साइड, क्योंकि सेलिब्रिटीज होती हैं वो होते हैं वो ऑडियंस से दूर दूर रहते हैं, और जिस करके ऑडियंस को पता नहीं चल सकता, पता नहीं चल पाता कि ये पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, ये उठता कैसे होगा, ये बातें कैसी करता होगा, ये खाता कैसे होगा, ये सुबह उठ के कैसा दिखता होगा, ये इसका नेचर क्या है, ये चलाक है नहीं है, हम्बल है नहीं है, घमंडी है नहीं है, समथिंग लाइक दैट, गुस्सेदार है गुस्से वाला है नहीं है, और ऐसी फालतू की लड़ाइयों में पड़ने वाला है नहीं है, सेंसिबल है नहीं है। तो मेरे लिए ये था कि मैं अपनी पर्सनल साइड दिखाऊं, एंड ट्रस्ट मी बिग बॉस को करके, बिग बॉस से आते ही पीपल वर लविंग मी कि यार वी या मतलब यू वर वेरी जेन्युइन। तो इनफैक्ट मैं एक बात बताता हूँ आपको, तो हम पेरिस के एयरपोर्ट पे लैंड हुए एंड हमें कोई पिक करने आ रहा था, तो लगेज हम लेके जा ही रहे थे बाहर एग्जिट गेट पे, तो वहाँ पे एक मैम ने रोका मुझे कि मिलिंद गावा, मैंने कहा यस मैम, तो कह रही आई लव यू इन बिग बॉस, तो मतलब स्ट्रेंजर, आई लव यू इन बिग बॉस। तो बंदा कहता है ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट दिस नडी वो। तो अब फिर उनका हस्बैंड आ गया, वो भी आ रही थी दिल्ली से ना, तो उनका हस्बैंड आ गया उनको लेने, तो कह रहे मिलिंद पाजी यार, तो कह रही हाँ हाँ हाँ, तो कह रहे पाजी क्या खेला आपने, बहुत अच्छा खेला, बहुत मतलब बहुत तारीफ करने लग गए, एंड यू नो ऑब्वियसली आई हैड टू से यू नो मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच, ही गेव मी हिज नंबर कि पाजी यहाँ पे कुछ भी चाहिए आपका भाई यहाँ पे, मतलब यू नो उससे मुझे ये मिला। बहुत मुश्किल होता है, पैसे कमाना बहुत आसान होता है ब्रो, बंदे कमाना बड़े मुश्किल होते हैं। तो मुझे बंदे मिले हैं, मुझे अपने म्यूजिक से या बिग बॉस जाने से या दिस हम्बलनेस या ग्राउंडेडनेस से मुझे बंदे कमाने को मिले हैं। ओपा जी सीनियर्स को काफ़ी बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं आपको, अगर वो इनवाइट करेंगे तो आप जाओगे इस बार? यार मुझे ना, मैं उस, मुझे लगता है कि मैं उस शो के लिए या तो बहुत बड़ा हूँ या तो बहुत छोटा हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं आती चलाकियाँ भाई, मतलब मुझे नहीं आता, मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, मैं कर ही नहीं सकता, मतलब मैं जो हूँ मुँह पे हूँ, मुझे बुरा लगता है तो मैं खुद पचा लेता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं, किसी को अपनी वजह से परेशान देखना नहीं चाहता, बट वहाँ पे तो परेशानी की गेम है कि तुम ना हो परेशान, दूसरों को करो परेशान। तो मैं दैट्स टोटली ऑपोजिट शो, बट या आई वुड डेफिनेटली लव टू मीट सलमान सर। अभी थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे हो? बिल्कुल नहीं, पहले मैं उस पे था, हनीमून पे था, अभी प्रमोशंस पे हूँ।